सो गाइस, अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म जो कि दूसरे हफ्ते में कदम रख चुकी है और इस मूवी का धमाकेदार कहर जारी है। जी हाँ गाइस, तो इस मूवी ने जो पहले दिन की ओपनिंग ली थी वो ली थी 15 करोड़ 38 लाख रुपए की और तीन दिनों का जो इसका कलेक्शन बैठा 64 करोड़ 14 लाख रुपए का। जी हाँ गाइस, तो इस मूवी ने हफ्ता आते आते पूरा हफ्ता खत्म करते करते इस मूवी ने जो कलेक्शन किया था गाइस वो 100 करोड़ पार कर चुका था, 100 करोड़ क्रॉस कर चुका था। यानी कि कल के दिन सातवां दिन का जो कलेक्शन टोटल बताया गया 104 करोड़ 66 लाख रुपए का। जी गाइस, तो आज इस मूवी का आठवां दिन है और आज एक और न्यू बिगेस्ट बड़ी मूवी रिलीज हुई है जो कि वरुण धवन की है भेड़िया, और भेड़िया मूवी से इस मूवी की स्क्रीन्स भी कम हो चुकी है और दोस्तों फिर भी इस मूवी को कोई भी इंपैक्ट उस मूवी से नहीं पड़ा। जी गाइस, तो आज की ऑक्यूपेंसी के अनुसार ये मूवी आज भी पूरी तरह से धमाका करते जा रही है और धमाकेदार कहर यानी कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी का आज भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। जी गाइस, तो आज की बात करें तो इस मूवी का जो कलेक्शन बताया गया है वो लगभग आ सकता है गाइस लगभग 8 से 8.5 करोड़ रुपए का। जी गाइस, तो इस मूवी का जो इंडियन नेट कलेक्शन 8 दिनों का बैठेगा गाइस वो बैठेगा लगभग 112 करोड़ रुपए का। जी गाइस, तो 100 करोड़ ये मूवी पूरी तरह से अच्छा खासा बिजनेस कर चुकी है और प्रॉफिट में आ चुकी है, जो कि इस मूवी का छोटा सा मिनिमम बजट था 50 करोड़ रुपए और ये सेकंड वीक में कदम रुक चुकी है, जो कि भेड़िया के आने से भी इस मूवी को कोई ना कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो आने वाले वक्त में ये मूवी 150 करोड़ का आंकड़ा बहुत ही जल्द छुएगी और इस मूवी को ब्लॉकबस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी गाइस, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, क्या ये मूवी 200 करोड़ का आंकड़ा छू सकेगी या फिर नहीं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद एंड थैंक यू।